ये देखिए दोस्तों, केक बन के रेडी हो गया है। इस तरह से पूरा ये फाइनल लुक है इसकी जाएगी, जो एल्बो पे दिया हुआ है हमने इस जगह से, और यहाँ से ये गले का हिस्सा हो गया, ये साइड की फॉल आ जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एवी स्टाइलिस्ट मास्टर में, और आज हम ये केप काटेंगे। और इस केप का कपड़ा है 2.5 मीटर, ये नेट है, और आप इस कपड़े को दुपट्टे में से भी केप निकाल सकते हैं। और इस केप को आप ब्लाउज के ऊपर और नीचे गरारा या सरारा इसके ऊपर भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों वीडियो अब शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये हमने केप के लिए कपड़ा बिछा लिया है, ये नेट है, नेट ये 2.5 मीटर है। अब इसके लिए सबसे पहले ये हम इस जगह से ये निशान लगाएंगे इस कॉर्नर से, ये 2.5 इंच पे, और ये बंद एरिया हमारी साइड है और खुला एरिया उस साइड है। अब इसको हमने ये यहाँ निशान लगाया एक, और अब ये निशान लगाएंगे यहाँ से 4.25 पर, और इस निशान को अब ये हम 2.5 से 4.25 पे यहाँ पे आके 2 इंच आ जाएगा। यहाँ 2.5 इंच है, यहाँ 2 इंच है। अब यहाँ से ये सेब में ये मिलके और ये नीचे चला जाएगा इस तरह से, इस तरह से चला गया। अब इस निशान से अब हम इसको सीधा निशान रखेंगे इस तरह से, ये इसके लिए ये अब यहाँ से ये हमने सीधा निशान खींच लेंगे एक, ये पूरा इस तरह से। अब यहाँ से इस जगह से हम डार्ट डालेंगे, डार्ट है 4 इंच पे, ये शोल्डर के लिए है, और ये यहाँ से 1.25 इंची इस तरफ और 1.25 इंची इस तरफ, ये 1.5 इंच की डार्ट डाल देंगे यहाँ पर। ये बहुत ही आसान है इस तरह से। अब इस जगह से हम बाजू का साइज नापेंगे, बाजू 10 इंच पे एल्बो आती है, तो ये 10 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे इस जगह से। ये अब नीचे ये 7 इंच पर लगा लेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ बाजू निकालने के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये डार्ट यहाँ से आ जाएगी। और अब इसको हम काट देते हैं, ये डार्ट इस तरह से आएगी, ये डार्ट हमने डाल दी यहाँ से, ये इस तरह से ये डार्ट लगा दिए, ये और डार्ट लगाने के बाद अब इसको हम राउंड से इसको काट देंगे इस शेप में, और ये इस लुक में आ गया ये। और इसको हम यहाँ से कुटका लगा देंगे इस जगह पे, और ये यहाँ पर, और ये इस जगह भी निशान ला उठा देंगे हम ये दोनों साइड पे बाजू के लिए। और अब इसमें हम जो चौकोर से कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम इस लेस से फिनिशिंग करेंगे। और चलते हैं अब सिलाई पर। हाँ जी दोस्तों, अब इसमें हम ये डार्ट पे पहले सिलाई मारेंगे, ये आपको ये दिख नहीं रही होगी नेट पे, ये हमने कट लगाई थी, ये नेट है, नेट पे ये सिलाई धागा वो दिखता नहीं है जो हमने चौक का निशान लगाया था, वो जड़ जाता है। मैंने यहाँ पिन लगा ली है, इस पिन को यहाँ से सिलाई मारेंगे इस तरह से, इस तरह से ही हमने ये डार्ट ही उस जगह की लगी हुई है, ये शोल्डर बनेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो फूलने लग जाएगा। अब इसमें हम लेस लगाएंगे, अब ये लेस को हम एक कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे। ये कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, ये नेट है इसलिए हल्का सा लाइट लाइट दिखेगा,
इसको अंदर से इसको हम एक तरफ सिलाई मारना शुरू करेंगे। इस तरह से, और ये पलट के इस तरह से ऐसे आ जाएगा। इस तरह से पूरे पे हम सिलाई मार लेंगे। और ये यहाँ से ऐसे करके अब ये कॉर्नर आ गया है। इस कॉर्नर पे ऐसे रख के और ऐसे करके ये इसको घुमा देंगे। ये यहाँ से ऐसे इस तरह से इसको हम घुमा देंगे। अभी कॉर्नर ऐसे हो गया, अभी और ऐसे पलट के इस साइड से जाएगा। अभी हम लेस पूरे में लगा लेते हैं ऐसे। इस तरह से ये पूरे पे सिलाई मार लेंगे हम इसको। ये लास्ट तक सिलाई मार ली। अब इसको भी इतना बड़ा काट लेंगे। ये और ये हम जो है ये मोती निकाल देंगे। यहाँ से भी निकाल दिया है। अब इसको पकड़ के इस तरह से हम इसमें सिलाई मार देंगे तिरछी। अब ये कोना बन गया इस तरह से ये पॉइंट बना दिया है हमने। अब इसको हम मार्जिन को और थोड़ा हल्का पतला कर देंगे। ये इस तरह से ये अब इसमें भी इस तरह से हम सिलाई मारना शुरू कर देंगे सीधी साइड से पलट के इधर से। जोड़ गुम हो गया यहाँ पर। ये देखिए कॉर्नर बन गया। इस तरह से सीधी साइड से हम सिलाई मार लेंगे। इस तरह से यहाँ पर डाट आ गई है गले की। इस तरह से इसको भी हम घुमा के मार देंगे सिलाई। ये इस तरह से इसमें भी ये इस तरह से ये पूरे में सिलाई मार देंगे। अब ये कॉर्नर आ गया। इस कॉर्नर को हम इस तरह से इंची टेप से नापेंगे पहले कि ये 1.25 इंच है। और इसको हम ऐसे सीधा करके और अब यहाँ से हम इसको 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ ये। और अब इस जगह से ये सिलाई ये जाएगी। इस तरह से ये सिलाई लगेगी। और इससे पहले जो ये नक्सी लगी हुई है इस नक्सी को हमें छुड़ाना होगा। अब यहाँ से ये हमने नक्सी को निकाल दिया है। और अब इसको हम यहाँ पर जो 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया है इस तरह से ये
सीधा सीधा, और अब ये यहाँ से इस तरह से सिलाई लगेगी। और अब इसको कॉर्नर को हम ऐसे करके और इसको हम ऐसे पलट लेंगे। अब इसका ये कॉर्नर ये बन के आ गया इस तरह से। ऊपर से सिलाई नहीं आएगी इसमें, इसी तरह से हम चारों कोने बना लेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब इसकी हम बाजू बनाएंगे। जहाँ से हम बाजू के लिए बाजू निकालेंगे उस जगह का हॉल बनाएंगे। अब इस जगह की जो नेट है तो इसमें चौक मिट्टी कोई सी भी दिख नहीं रही है, यहाँ से सीधी लाइन है तो इसलिए मुझे भी नहीं दिख रही है, इसलिए हमने पिंस लगा लिए हैं। अब इस जगह को हम यहाँ से पहले एक सीधी सीधी सिलाई मार लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सिलाई मार ली है। अब इसमें सिलाई पर ये सीधी साइड से सिलाई मारी है और ये नेट लिया है, ये डबल नेट को रखेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। और ये सीधी साइड से हमने रखा है नेट को और ये उल्टी साइड से हम इसमें सिलाई मारेंगे। एक सिलाई तो हम इसी के ऊपर मार लेंगे जितनी में ये लगी हुई है। अब यहाँ से ये एक पैर का ये चौकोर डब्बा टाइप का बनाएंगे। इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको कि हमने सिलाई मार ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे बीच में से, इस जगह से ये और ये कॉर्नर पे भी इस तरह से कट कर दिया है, यहाँ पे भी और इधर भी दोनों साइड ये कट करके इस तरह से। अब इसमें हम सीधी साइड से लब की सिलाई मारेंगे। इस तरह से जो कि इसका नेट बाहर ना है। ये दोनों साइड से इसको हम कट कर लेंगे, लब की सिलाई मारेंगे इसमें ये। अब इसको नेट को अंदर करेंगे। अब पीस को हम घुमा लेंगे इस तरह से और ये इस तरफ आ गया है। अब इस तरफ इसको हम ये, अब जो नेट बड़ा है इस नेट को हम काट लेंगे अंदाज से कि एक पैर का मार्जिन बचे। इस टाइप से दोनों तरफ से नेट को हम काट लेंगे ये इस तरह से। अब इसमें हम एक पैर का मार्जिन रख के और इसमें हम सिलाई मारेंगे एक पैर का मार्जिन रख के ये इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ से घुमा देंगे फोल्ड करके और इधर का भी हिस्सा हम ऐसे ही घुमा लेंगे ये। इस तरह से ये यहाँ से भी ऐसे मोड़ देंगे दोनों साइड से ये मोड़ के ये इधर से घुमा के और ये लग गई सिलाई। अब इस तरह से ये बन गया बाजू के लिए।
यहाँ से बाजू ऐसे निकल जाएगी, ये एल्बो टाइप की, एल्बो तक इसमें कट देके अब ये फाइनल बन चुका है। अब इसको डमी पर दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए दोस्तों, केप बन के रेडी हो गया है इस तरह से पूरा। ये फाइनल लुक है इसकी, इस केप की ये फाइनल लुक है ये। और यहाँ से ये बाजू निकाली जाएगी जो एल्बो पे दिया हुआ है हमने इस जगह से, और यहाँ से ये गले का हिस्सा हो गया। ये पूरी लुक इसकी इस तरह से, ये साइड की फॉल आ जाएगी इस तरह से।